आज गंगा स्नान का महत्व यही है कि गंगा जी में नहाने वाला सब लोग साल भर का पाप कर्म को धोने आता है गंगा जी में। बस भगवान से सब लोग अच्छे से रहें, पूरा परिवार खुश रहे, बाकी लोग भी सब अच्छे से रहें। आज कार्तिक माह का आखिरी दिन है और आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान लक्ष्मी नारायण की पूजन की जाती है। तो वहीं तस्वीर जो है पटना के घाटों की निकल के सामने आई है, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। तो वहीं जो श्रद्धालु हैं तमाम बिहार के अनेक जिलों से आए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान लक्ष्मी नारायण की पूजन की जाती है और इस मौके पर कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान कर देव दीपावली भी मनाई जाती है, जिसे काफी शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो वहीं इस दिन कुछ खास उपाय किए जाए तो घर के आर्थिक हालात अच्छे बने रहते हैं। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है और इसको लेकर गंगा घाटों पर जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। तस्वीर जो है पटना के तमाम अनेक घाटों की, जहां पर देख सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जो लोग हैं वो गंगा घाटों पर पहुंचे हैं, तो वहीं स्नान कर रहे हैं। बता दें आपको कि कार्तिक पूर्णिमा पर जो है भगवान विष्णु की पूजन होती है, खासकर वहीं कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की खास आराधना की जाती है। और वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार धारण किया था और जिन्हें भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान कर दीप दान करना काफी शुभ माना जाता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा का यह महत्व जो है वो ज्योतिष के द्वारा बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करके उगते सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा अगर इस दिन विशेष तौर पर कुछ दान किया जाए तो कई तरह के पापों से मुक्तियां मिलती है। तो वहीं इस दिन दीप दान और तुलसी पूजन जो है वो करनी चाहिए। तो बता दें आपको कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जो है जो भगवान विष्णु की लोग आराधना कर रहे हैं, तो वहीं जो डुबकियां हैं वो लोग लगा रहे हैं। तो वहीं तस्वीर जो है पटना के घाटों की है, जहां पर देख सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। तो वहीं गंगा घाटों पर जो है लोगों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। तो वहीं कार्तिक माह का आज आखिरी दिन है और इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है। वहीं दीप दान किया जाता है और देव दीपावली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान लक्ष्मी नारायण की पूजन, कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान कर देव दीपावली भी मनाई जाती है, जिसे काफी शुभ भी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर आज जो है चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसको लेकर जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं, गंगा घाटों पर डुबकियां लगाने पहुंचे हैं। तो वहीं जो लोग हैं रात से भी इंतजार कर रहे थे और बहुत लोग जो है अभी जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं तस्वीर जो है पटना के अनेक घाटों की सामने निकल के आई है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जो लोग हैं डुबकियां लगाते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। बताया जाता है कि भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण किए थे, जिसके बाद कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है और भगवान विष्णु को याद किया जाता है। कहाँ से आए? राजापुर से। क्या कुछ महत्व है आज का दिन? नहाने से पुण्य होता है और क्या होता है नियम को। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन का हाँ, क्या कुछ महत्व है? बस भगवान से सब लोग अच्छे से रहें, पूरा परिवार खुश रहे, बाकी लोग भी सब अच्छे से रहें। बस व्यवस्था कैसे किया जाए जिला प्रशासन? अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज गंगा स्नान का महत्व यही है कि गंगा जी में नहाने वाला सब लोग साल भर का पाप कर्म को धोने आता है गंगा जी में, तो धो के जाता है। गंगा जी इतना पवित्र है कि सब के गंदगी को धो देती हैं। और गंगा जी का इतना महत्व है कि राजा सागर जो थे सो 60,000 अपने पूर्वज को मृत को जीवित करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। राजा भागीरथ पृथ्वी पर गंगा जी को उसको जीवित करने के लिए लाए थे, गंगा जी को तपस्या करके 60,000 बरस सब तपस्या किए, 60 बरस तब जाके गंगा जी पृथ्वी पर आई। और उनके जल से सारे मृत उनके सारे पूर्वज सब जीवित हो गए। तो इसीलिए गंगा जी में लोग स्नान करने आता है कि हम अपने सारे पाप कर्मों को बाहर कर दें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।